नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरज व्लॉग्स। और देखिए, आप हमने आपको इस छत्ते का, बिरबल के छत्ते का पहला भाग दिखा दिया था। ये बाल मुकुंद राय द्वारा बनाया गया था, जिसको बाद में धीरे धीरे बिरबल के छत्ते के नाम से जाने लगा, क्योंकि बिरबल अक्सर कामकाज के, खुद के बाहर से कामकाज के लिए यहाँ पर नारनौल में वो व्यापार के लिए आते थे, तो वो यहाँ पर यहीं इसी जगह ठहरते थे, इसलिए इसे बिरबल का छत्ता कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसके। आज हम आपको इसके अंदर वो भी दिखाएंगे जो इसके तहखाने वगैरह नीचे के अंडरग्राउंड में हुआ करते थे, और बहुत ही भव्य नज़ारा है भाई इसका। इसकी देख सकते हो आप, पूरा संगमरमर के पत्थर से तराशा गया है भाई ये। इसकी देख सकते हो भाई, संगमरमर के पत्थर से बहुत ही खूबसूरत तराशा गया था उसे। ये और दिखा दीजिए, भैया इसके देख सकते हो, उस टाइम लकड़ियों से बनाया गया महल है ये, और आज तक भी जो कि तो खड़ा है भैया। बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई दोस्तों देखने में। देख सकते हो भाई, ये जरोके बनाए गए भाई रोशनी के लिए, आने के लिए महल के अंदर। देख सकते हो भाई, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, लकड़ी वैसे आज भी है इसके अंदर। कितना खूबसूरत पिलर तराशा गया है, देख सकते हो भाई। ये महल के सामने दूसरा रूम है इसका, वो जो पहले वाला रूम दिखाया था वो सामने है भाई अपना। अभी हमने आपको नीचे की तरफ महल के अंदर नीचे अंडरग्राउंड रूम में लेकर चलते हैं। इसमें भी वही रोशनदान ऐसे जरोके बनाए गए हैं जिसमें नीचे रोशनी जा सके, वो भी दिखाते हैं अभी हम आपको। ये वो जरोके हैं भाई नीचे रोशनी जाने के लिए। आइए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। भाई दोस्तों, आप जब कभी भी यहाँ पर आओ तो अकेले इसके अंदर मत जाना। ये इसका देख सकते हो, अब हम अंदर आ गए हैं। ये जो पहली बिल्डिंग के नीचे जो रूम है वो ये है, ये जरोके बनाए गए हैं यहाँ पर रोशनी आने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ही खुफिया दरवाजे, यहाँ से बहुत ही गर्म हवा आ रही है भाई। इस महल की सबसे खास बात है, यहाँ पर बहुत ही गर्म हवा आती है भाई यहाँ पर। यहाँ पर नेगेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा असर है भाई, नेगेटिविटी का। देखिए भाई, ये अंदर भूल भुलैया है इसके अंदर, ये देखिए भाई। ये दूसरे और खुफिया और रहस्यमय महल के अंदर नीचे अंडरग्राउंड में लेकर चलते हैं आप, है वो दिखाते हैं अभी हम आपको भाई। ये है भाई वो जो अंडरग्राउंड महल हम आपको बता रहे थे अभी, खुफिया। दोस्तों आराम से आइएगा भाई, आराम से आइए। बहुत ही देख सकते हो भाई, इसमें चारों तरफ काफ़ी रास्ते जाते हैं, पैड़ियाँ भी काफ़ी जगह उतरती है, और काफ़ी सुरंगें गुफाएं भी हैं भाई यहाँ पर।
देख सकते हो भाई दोस्तों, अब हम नीचे आ गए हैं अंडरग्राउंड में, और ये देख सकते हो भाई जरोखे बनाए गए थे हवा आने के लिए। दोस्तों इस महल में देख सकते हो आज भी बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई थी उस टाइम, जिस टाइम भाई मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, ये हाथों से की गई कलाकारी है पूरी। और ये जरोखे बनाए गए भाई इसमें रोज ने आने के लिए। आइए अब हम आपको दूसरे रूम में लेकर चलते हैं भाई। ये भाई दूसरा है इसका पार्ट, देख सकते हो यहाँ पर भाई काफ़ी अंधेरा रहता है। अंधेरा ख़त्म करने के लिए पहले उसी टाइम में जरोखे बनाए गए थे ये ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए और ये देखिए यहाँ पर भी भाई एक वैसा ही जैसा स्नान घर रानी के महल में हमने आपको दिखाया था सेम वैसा ही यहीं पर भी बनाया गया है। यहाँ पर भाई पीछे ही जस्ट इसके कुआं है जो अभी हम आपको बाहर चलकर दिखाएंगे, उस कुएं से यहाँ पर पानी लेते थे भाई, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं से कुएं के अंदर से ही पानी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन किया गया था, उसी से आता था यहाँ पर सब कुएं के पानी से ही। ये देख सकते हो भाई अंडरग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसको, ये देखने का रोशनी आ रही है भाई इस टाइम। ये जरोखे बनाए गए हैं हवा के लिए पानी के लिए भी। ये भाई जरोखा है बाहर की साइड से, ये मेन गेट का जरोखा है, और देख सकते हो भाई ऊपर कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। दोस्तों अंधेरा होने के कारण हमें कम दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पर। देख सकते हो भाई एक और यहाँ पर भी बनाया गया था सेम वैसा ही स्नान के लिए। ये ऊपर से जरोखे हैं भाई इसके, जहाँ से रोशनी और हवा आती है, देख सकते हो भाई। कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये देखिए भाई अभी भी रोशनी आ रही है यहाँ पर।